नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, साथ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी थे। लेकिन तीन चार बड़ी बातों पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक तो मुख्यमंत्री के पीछे जो होर्डिंग लगा हुआ था उसमें सिर्फ मनोहर 2600 क्यों लिखा हुआ था, हालांकि इस वक्त गठबंधन की सरकार है। क्या दुष्यंत चौटाला की इस पर नजर गई थी या नहीं? दूसरा, यहां पर भी कुर्सी का रौला दिखाई दिया। वो कुर्सी का क्या रौला था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, जो मुख्यमंत्री ने बोला 600 दिन के बारे में बताया, उसमें यही था मुख्य जो स्लोगन था, जो कभी नहीं हुआ था हरियाणा में, मतलब जो कभी नहीं हुआ था वो कर दिखलाया। तो इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बोला है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उस पर आप बताएंगे कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो जो इन 600 दिन में हुआ है, आपने अपने तरीके से बतलाना है। वहीं मुख्यमंत्री को किन चीजों पर और बोलना चाहिए था, कौन सी ऐसी बातें हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, विरोधी जो हैं वो बहुत सवाल करते हैं, तो हमने सोचा सालों का नहीं, हम एक एक दिन का हिसाब दे देते हैं। सो 600 दिन का हम हिसाब दे रहे हैं, ऐसे ही 700-800 दिन का हिसाब देंगे, मतलब हमने क्या किया है। मुख्यमंत्री के पीछे जो लिखा हुआ था ये होर्डिंग ध्यान से देखिए, मनोहर 2600 लिखा हुआ है, मतलब मनोहर सरकार का पार्ट 2, 600 दिन। लेकिन इस वक्त तो हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी जेजेपी प्लस निर्दलीय भी साथ में है, तो अकेला मनोहर 2 क्यों लिखा हुआ है, साथ में जेजेपी क्यों नहीं? वेयर इज जेजेपी? क्या दुष्यंत चौटाला की इस होर्डिंग पर नजर गई? और मेरे को लगता है अगर नजर गई होगी तो जरूर नाराज हुए होंगे, जरूर गुस्सा आया होगा उनको कि उनका नाम क्यों नहीं, मनोहर दुष्यंत होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुर्सी का रौला था। कुर्सी का रौला क्या था? पहले दो बड़ी कुर्सियां लगाई गई, यानी एक पे सीएम बैठेंगे दूसरे पे डिप्टी सीएम बैठेंगे, दोनों पर व्हाइट कलर के तौलिए लगाए गए पीछे। लेकिन बाद में जो डिप्टी सीएम की कुर्सी थी उसके पीछे से व्हाइट तौलिए को हटा दिया गया और उसको साइड में रख दिया गया। ऐसा क्यों? एक और बड़ी बात, कुर्सियों पर जो मंत्रियों की कुर्सी थी उस पर लिखा हुआ था HM ये वो, तो बाद में उसको भी हटा दिया गया। मतलब वो लगाना टैग हटाना या तौलिए लगाए उसको हटा दिया गया, ये क्या है? मतलब ये कुर्सी का रौला यहां पर क्यों था? अब आते हैं जो 600 दिन के बारे में बताया गया कि पहले जो कभी नहीं हुआ था हरियाणा में ऐसा कर दिखलाया है, मतलब इस सरकार ने 600 दिन में। मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई इसमें कि हमने ये किया है हमने वो किया है, हालांकि कोरोना काल था और हमारे 400 दिन के करीब उसमें ही निकल गए, लॉकडाउन में या कोरोना में हमारी गति धीमी जरूर रही लेकिन फिर भी हम चलते रहे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी विपक्ष को वो जवाब दे रहे थे जो विपक्ष उनसे सवाल करता है या जो लोग भी ये सवाल उठाते हैं। लेकिन इसमें आपने बताना है कि जो इन 600 दिनों में नहीं हुआ, मतलब पहली बार हुआ है वो आपने बताना है, जो मुख्यमंत्री ने बता दिया वो अलग बात है लेकिन जो पहली बार हुआ है वो आपने बताना है अपने हिसाब से। एक तो ये कहा बड़ी बात कि फसलों का जो खरीदने का सही तरीका अपनाया। अब आप बताइएगा कि क्या फसलों को खरीदने का तरीका सही है? जो फसलों का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद मैसेज जाते हैं किसानों के पास, भाई 2 क्विंटल 5 क्विंटल अपनी गेहूं ले आइए, ये आइए और इस दिन लेकर आइए, क्या ये तरीका सही है? आप बताइएगा। मतलब पहले जो तरीका होता था किसान की जो फसल है सीधा मंडी में गई और बेच दी और वापस घर आ गया, अब जो तरीका अपनाया गया है
क्या वो सही है कि एक मैसेज जाना 2 क्विंटल 5 क्विंटल का और इतने दिन बाद लेकर आना, मतलब उतने दिन वो किसान फसल कहाँ रखेगा, क्या यह तरीका सही है, इसके बारे में आपने बताना है। दूसरा उन्होंने कहा जो एक वीडियो दिखाई गई उसमें कि फसलों का जो भुगतान 72 घंटों में, हमने कल परसों ये रिपोर्ट आपको दिखाई थी, 2 रिपोर्ट दिखाई थी, 2 किसानों की रिपोर्ट दिखाई थी कि 50-50 दिन बाद भी फसल का पैसा उनके खाते में नहीं आया है। सरकार दावा कर रही थी और सरकार अब भी दावा कर रही है कि 72 घंटों में पेमेंट, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिला है। ये रिपोर्ट आपने देखी होगी और उसमें लोगों के कमेंट भी देखे होंगे, कितने लोगों ने लिखा मेरा अभी तक नहीं आया है, मुझे इतने दिनों बाद मिला है, मुझे ब्याज नहीं मिली जो सरकार दावा कर रही थी। ठीक है, दूसरा मुख्यमंत्री साहब जो बता रहे थे अपनी कि जो योजनाएं हम बहुत अच्छी तरीके से लेकर आए, जिनको दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी आगे फॉलो करने के लिए कह रही है दूसरे राज्यों को, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या मेरा पानी मेरी विरासत, तो ये दोनों स्कीम कितनी कामयाब हैं इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, आप कमेंट के माध्यम से लिखकर भेजेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप इसके बारे में बताएंगे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन वाला एक है उसके बारे में आप बताएंगे, मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में आप बताएंगे। अब क्या है कि मुख्यमंत्री साहब को हमारे हिसाब से यह भी बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री साहब को जो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठ रहा है, नौकरियों का मुद्दा बड़ा उठ रहा है और जो सिलेक्ट हो गए लोग उनको भी नहीं रखा जा रहा है, मतलब उनके बारे में बोला जा रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री को इस बारे में भी बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री को जो बेरोजगारी की दर दिखाई जा रही है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, उसके बारे में भी बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री साहब को अपराध के बारे में भी बोलना चाहिए था कि हरियाणा में इस वक्त अपराध कितना बढ़ गया है, पिछले कुछ दिन ही उठा लीजिएगा, पिछले कुछ दिनों में ही हर दूसरे दिन सरेआम हत्या की जा रही है हरियाणा में, कई खबरें आपने देखी होंगी और सुनी होंगी। वहीं मुख्यमंत्री साहब को भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलना चाहिए था, क्योंकि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार में इस वक्त हरियाणा जिस लेवल पर है, यानी लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, 10 गुना तक बढ़ गया है भ्रष्टाचार, तो ये बड़े मुद्दे हैं, बड़े मसले हैं, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहिए था। चलिए अब बारी है आपकी कि 600 दिन पर मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमने ये किया वो किया, हालांकि इसमें कोरोना काल था, लॉकडाउन था, फिर भी हम अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हमने कर दिखलाया, इसका जवाब आपने देना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पहले कभी नहीं थी अब हो रही हैं हरियाणा में। और दूसरा जो कुछ मैंने कहा कुर्सी का रौला था इसमें, या मनोहर पार्ट 2 जो है 600 दिन, वो सब बातों पर और जो जो आगे हमने जिक्र किया है, इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके बताना है आपको क्या लगता है, और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम हरियाणा वालों तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी राय दे 600 दिन पर। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचती रहे तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, अगला मसला, अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।